नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूं अभी नैला में, और मेरे पीछे आप लोग रेलवे स्टेशन देख रहे होंगे। जहांगीर नैला रेलवे स्टेशन है, और यहां का जो दुर्गा पंडाल है वो पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है दोस्तों। आप लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप में देखे ही होंगे। तो आज आप लोगों को मैं यहाँ का दुर्गा पंडाल दिखलाने के लिए आया हुआ हूँ। साथ ही साथ आप लोग नैला दुर्गा पंडाल तक कैसे पहुँच सकते हैं उसे भी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊँगा। आप लोग रेलवे स्टेशन से कैसे पहुंच सकते हैं, रायपुर बिलासपुर से क्या दूरी है उसे भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन से आप लोगों को ऑटो वगैरह भी मिल जाएगा अगर ऑटो से जाना चाहेंगे तो। थोड़ा सा रोड जाम है यार, आगे निकलने देते हैं गाड़ी को, फिर बात करते हैं। और रेलवे स्टेशन से पंडाल कुछ ही दूरी में है, तो आप लोग पैदल जा सकते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी है। या फिर अगर ऑटो से जाना चाहेंगे तो ऑटो से भी आप लोग जा सकते हैं। दूरी की अगर बातें करें तो बिलासपुर से 50 किलोमीटर, रायपुर से 170 किलोमीटर, और हाँ सूर्यनारायण से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी में है। तो आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ट्रेन से आना चाहेंगे तो ट्रेन से आ सकते हैं, नहीं तो आप लोग बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। और सूर्यनारायण में भी भव्य दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है दोस्तों, उनका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और यह है जांजगीर चांपा जिले का नैला शहर, जो पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्गा उत्सव के समय फेमस रहता है। काफ़ी भव्य दुर्गा पंडाल, काफ़ी भव्य दुर्गा की मूर्ति इस जगह में नैला शहर में बनाया जाता है, पंडाल लगाया जाता है। जांजगीर चांपा शहर भी काफ़ी बड़ा शहर है दोस्तों। आप लोग दुकानें वगैरह देख सकते हैं, रोड के दोनों किनारे में दुकानें वगैरह लगी हुई है। और यहाँ से सजावट चालू हो गई है, देखिएगा रात में सब लाइटें जलेगी। और आप लोगों को पंडाल भी दिखलाई दे रहा होगा, आपको उनके ऊपरी शिखर दिखलाई दे रहा होगा दोस्तों। और रात में सब लाइट वगैरह जलेगी ना, तो क्या ही सुंदर नज़ारा होगा इस जगह का। और पंडाल तो मैं देख पा रहा हूँ, ये देखिएगा काफ़ी भव्य और बड़ा पंडाल इस जगह में, आप लोग भी देख सकते हैं। ये आप लोग देखिए, काफ़ी भव्य और बड़ा पंडाल इस जगह में बना हुआ है दोस्तों, ये आप लोग देखिए। दोस्तों फाइनली मैं दुर्गा पंडाल के पास पहुंच चुका हूं, दिखलाता हूं आप लोगों को। ये सामने आप लोग देखिएगा, ये जांजगीर वाला रोड है, जांजगीर वाले रोड में ही ये ग्राउंड है। ये देखिए बड़ा सा ग्राउंड है, और ग्राउंड में ही ये भव्य दुर्गा पंडाल बना हुआ है। ये आप देखिएगा ऊपर तक, आप लोग देखिए काफ़ी बड़ा दुर्गा पंडाल इस जगह में बना हुआ है यार। और नैला का दुर्गा पंडाल पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है, और रेलवे स्टेशन पास में होने के कारण ना इस जगह बहुत सी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, देखने घूमने के लिए आएंगे। और देखिए कितना बड़ा दुर्गा पंडाल इस जगह में बना हुआ है, अंदर में माता रानी भी भव्य रूप में विराजमान होगी। तो कुछ इस तरह से है, ये आप लोग देख सकते हैं। अंदर लेकर भी आप लोगों को मैं चलूँगा और दिखलाऊँगा। फिलहाल आप लोग बाहर से देखिए कि बाहर से किस तरह से भव्य ये दिख रहा है। अंदर लेकर आप लोगों को मैं चलता हूँ, अंदर से किस तरह से नज़ारा है उसे आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ। बाहर से तो आप लोग देख ही चुके हैं, गोल्डन कलर में है, काफ़ी बढ़िया और लग रहा है ये। तो चलिए अंदर लेकर आप लोगों को चला जाए, दिखलाया जाए। इस तरफ आप लोग देखेंगे तो समिति वाले लोग इस तरफ हैं, ये आप देखिएगा इस तरफ भी पंडाल वगैरह बनी हुई है। और ये आप देखिएगा काफ़ी बड़ा और भव्य पंडाल है यार इस जगह में, और गोल्डन कलर में पूरा बना हुआ है। चलिए अंदर लेकर चलते हैं, अंदर में तैयारियां भी चल रही है आप लोग देख सकते हैं। फिर भी बहुत से लोग इस जगह में घूमने देखने के लिए आए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देखिए सामने में। और सामने में ही माता रानी की भव्य मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को दिखलाई भी दे रहा होगा वह, आप लोग देखिए ऊपर में लोग भी चढ़े हुए हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। और सजावट भी काफ़ी बढ़िया है, माता रानी की मूर्ति भी काफ़ी बढ़िया है, बहुत से लोग इस जगह में देखने के लिए भी आए हुए हैं। तो आप लोग भी देखिए, दर्शन करिए माता रानी की, और आसपास में तो घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। थोड़ा सा पास चल के आपको मैं दिखलाता हूँ ऊपर से, ये आप लोग देखिए। और सजावट का काम भी यहाँ पर जारी है, चल रही है। इस तरफ आप लोगों को मैं, चलिए अंदर लेकर चलता हूँ, और अंदर से आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ कि अंदर से किस तरह से सजावट है या फिर तैयारियाँ चल रही है उसे आप लोगों को मैं दिखलाऊँगा। थोड़ा सा इन लोगों को जाने देते हैं, फिर अंदर चलेंगे। चलिए, और जैसे ही आप लोग अंदर आएंगे ना, तो ये देखिए दोस्तों सभी सजावट की सामानें अभी नीचे में रखी हुई है। इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिएगा
ये सभी अभी ऊपर में लगेगा, झूमर के रूप में लगेगा, कुछ नीचे में रहेगा। तो कुछ इस तरह से है, सामने में माता रानी की मूर्ति की तैयारियां चल रही है, सजावट की तैयारियां चल रही है। तो काफी भव्य और बड़ा पंडाल है यहाँ का नैला का। अगर आप लोग भी आस पास के हैं तो घूमने के लिए जरूर आइएगा, दर्शन करने के लिए इस जगह में आप लोग आइएगा। दोस्तों यहाँ पर है माता रानी की भव्य मूर्ति, एक शेर, दो शेर, तीन शेर और काफी बड़ा बड़ा इस जगह में शेर बनाए हुए हैं। माता रानी की ये सवारी है और पांच शेरों में माता रानी बैठी हुई है। ये तीन शेर तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को मैं इस तरफ भी दिखला दूँ, दो शेर इस तरफ बना हुआ है, काफी बड़ा बड़ा और बहुत ही बढ़िया कारीगरी है दोस्तों इस जगह की। मूर्ति काफी लाजवाब बना हुआ है, चाहे वो शेर की मूर्ति हो चाहे माता रानी की मूर्ति हो, काफी बड़ी इस जगह में मूर्ति का निर्माण किया गया है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं माता रानी की जो सजावट की तैयारियां हैं वो चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, कुछ ही टचअप बाकी है। और आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर भव्य रूप से माता रानी की मूर्ति का निर्माण किया हुआ है या बनाए हुए हैं। ये शेर आप लोग देख सकते हैं, शेर का बनावट भी काफी यूनिक और बढ़िया है। देखिए सब मसाफ रहेगा थे कुछ नहीं होने नाल में।